दोस्तों लेटेस्ट न्यूज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। आखिर क्यों सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9 को इतना जल्दी खत्म किया जा रहा है। इससे जुड़ी पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस बात में कोई शक नहीं है कि कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9 समाज में अपनी एक खास जगह बनाने में सफल रहा है। जो लोग टीवी को बाय बाय कह चुके थे वो लोग भी कौन बनेगा करोड़पति सीजन 9 के समय अपनी टीवी के सामने आकर बैठ जाते हैं। अगर ऐसा कहा जाए कि अमिताभ बच्चन का ये क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति टीवी पर आने वाले कई डेली सोप से ज्यादा बेहतर है तो शायद गलत नहीं होगा। अमिताभ बच्चन को हर रात 9 बजे प्रतियोगियों के साथ हॉट शीट पर देखना किसी सुखद अनुभव से कम नहीं होता। तो दोस्तों बता दें कि ये शो अब टेलीकास्ट नहीं होगा। इस शो के बंद होने की वजह बताई जा रही है अमिताभ बच्चन की तबीयत का खराब होना। जी हाँ, बिग बी की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए उन्होंने शो से ब्रेक लिया है। लेकिन तबीयत ठीक होने के बाद बिग बी वापस आने का विचार जरूर करेंगे। बिग बी ने केबीसी के मेकर्स को इस शानदार शो के लिए धन्यवाद भी दिया। बिग बी की वापसी के लिए दर्शकों को कुछ दिनों का और इंतजार करना होगा। अमिताभ ने अपने ट्वीट में लिखा है, शो का आज मेरा आखिरी दिन है और मैं बेहद दुखी हूँ। अपने ब्लॉग में अमिताभ ने लिखा, इस सीजन से जुड़े सभी लोग प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग की टीम काफी दुखी है, लेकिन आज हमने शो की शूटिंग खत्म कर ली। बिग बी ने बताया है कि केबीसी में ज्यादा बोलने से उनके वोकल कॉर्ड्स में इन्फेक्शन हो गया है जिसकी वजह से उन्हें काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल से वे एंटीबायोटिक और पेन किलर की मदद से पूरे फिनाले एपिसोड की शूटिंग कर पाए हैं। आपको बता दें कि केबीसी की जगह जल्दी ये 3 नए शो लेने वाले हैं। पहला शो पहरेदार पिया की सिक्वल रिश्ते लिखेंगे हम नए, दूसरा जायद खान का नया शो हासिल और तीसरा रोमांटिक हॉरर शो एक दीवाना था। सोनी टीवी पर जल्द ही ये 3 शो प्रसारित किए जाएंगे। तो दोस्तों इस न्यूज के बारे में आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं और हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। आगे और भी खबरों के लिए बने रहें हमारे न्यूज सूत्र चैनल के साथ। धन्यवाद।